बहुत ज्यादा पसंद है वैसे आप लोग वैसे काफी लोगों को इस गेम के बारे में पता होगा एंड बहुत सारे लोगों को इस गेम के बारे में अभी भी पता नहीं होगा। इस गेम का नाम है गेंशन इंपैक्ट एंड गाइस ये मजाक नहीं, पीसी पे भी चल रही है इन्हीं ग्राफिक के साथ, फोन पे भी चलती है थोड़े लो एंड ग्राफिक के साथ बट सेम वही गेम एंड किसी भी अदर कंसोल पे चल जाती है। एंड भाई ये गेम बहुत ज्यादा मजेदार है। अब ये गेम आप लोग बोलोगे किस टाइप की गेम है, एक तरह से मैं आपको सिंपल वे में बताऊं तो एक तरह से GTA है बट एक अलग ही टाइप की मैजिकल वर्ल्ड पे सेट है ये गेम। अब इस गेम के अंदर हमारे पास माइकल जैसे अलग अलग तीन कैरेक्टर नहीं होते, इस गेम में हमारे पास 60+ से ज्यादा अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। एंड हाँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं सिंपली मेरे को ये गेम इतनी पसंद आई कि मेरे को ना इस गेम के ऊपर एक वीडियो जरूर से बनानी थी। इंडिया में मैंने बहुत कम यूट्यूबर्स को देखा जिन लोगों ने इसके ऊपर गेम बनाई है। अब देखो इस गेम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप इस मैप को देखोगे तो एक बहुत बड़ा मैप है जिसको मैं थोड़ा सा ये भी अनकवर कर पाऊं एंड इतना बड़ा मैप ना गाइस अभी भी अनकवर है जिसको मैंने अभी तक छुआ तक नहीं है। एंड गाइस जितना मैंने इस गेम को खेला है ना उससे मेरे को इतना तो पता चल चुका है कि ये गेम बहुत ज्यादा खतरनाक है। एंड गाइस इस गेम में आप ना सिर्फ 4 कैरेक्टर के साथ खेल सकते हो जो कि आप सेट कर सकते हो, लाइक एक स्क्वाड की तरह आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो इस गेम में बट आप लोग अपने खुद के 4 कैरेक्टर्स भी रख सकते हो। और गाइस जैसे कि मैंने अपने लिए भाई 4 कैरेक्टर्स रखे जो कि मेरे टाइप पे सेट करते हैं, मैंने एक रखी है एम्बर एंड अगर आप सेकंड वाले को देखोगे तो मैंने ये वाला कैरेक्टर रखा है, थर्ड कैरेक्टर मैंने रखा है ये वाला एंड फोर्थ कैरेक्टर रखा है मैंने ये वाला। हाँ सारे के सारे फीमेल्स हैं बट गाइस इन सारे कैरेक्टर्स की अलग अलग एबिलिटीज होती है, अलग अलग टाइप की होती है, लाइक ये बो एंड एरो वाली है एंड एक ये हैवी स्वॉर्ड वाली है, लाइक अलग अलग टाइप की कैरेक्टर्स होते हैं इसमें। मैं अगर आपको कैरेक्टर्स दिखाऊं तो गाइस अगर आप कैरेक्टर्स दिखोगे तो यहां पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं एंड इनमें से थोड़े बहुत कैरेक्टर्स मेरे पास भी है जो कि मैं यूज करता हूं। एंड गाइस ये गेम बहुत ज्यादा मजेदार है। अब गाइस देखो मैं आप लोगों को बताता हूं इस गेम में हम करने क्या वाले हैं। आज हमारा एक छोटा सा मिशन है, हमारे को एक छोटी सी क्वेस्ट मिली है जो हमको कंप्लीट करनी है। हमको ना इस जो आइस माउंटेन है, इस आइस माउंटेन में हमको जाना है, इस आइस माउंटेन में जाके हमको एक बॉस को हराना है बट इस बॉस को हराने के लिए हमको सबसे पहले इस एरिया में जाना पड़ेगा एंड इस एरिया में जाने के लिए हम बहुत सारे टेलीपोर्टर्स यूज कर सकते हो। लेकिन आप देखोगे तो कोने कोने में आपको ब्लू ब्लू से सर्कल दिखाई दे रहे होंगे एंड इन सर्कल मतलब सर्कल या पॉइंट टाइप के आप कुछ बोल सकते हो, इनमें जाके हम टेलीपोर्ट कर सकते हैं। ओके तो गाइस मैं अभी मैप से एक अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो चुका हूं जहां पे मेरे को टेलीपोर्ट होना था, मैं बिल्कुल सेम इस जगह पे आ चुका हूं जहां पे मेरे को आना था। एंड अभी देखो अब यहां पर सीन क्या है, हमको उस वाले पहाड़ पे जाना है। आप देख सकते हो ये पहाड़ बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा ऊंचा है एंड भाई देख के इसको देख के ना मेरी फटती रही है क्योंकि ये बहुत बड़ा पहाड़ है एंड बर्फ वाली जगहों पे ना एक बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप का सीन होता है। आप देखो यहां पर अगर आप इस पहाड़ की बात करोगे ना तो इस पहाड़ पे एक तरह से मैं आपको बताऊं तो कुछ बुरे लोगों का एक तरह से कब्जा हुआ हुआ है, जैसे कि आप वहां पर देख ही सकते हो एक बुरा आदमी वहां पे बैठा हुआ है एंड इनको हराना इजी नहीं होता, इनको हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि ये तो एक लो लेवल वाला प्लेयर होगा तो मतलब लो लेवल का एनिमी एक तरह से बोल सकते हो, तो मैं इसको इजीली इसको मैं तो हरा सकता हूँ बट अगर आप बाकी एनिमी देखोगे आगे अगर जाके तो भाई बहुत ज्यादा खतरनाक वाले एनिमी आते हैं जिनको हराना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे कि मैंने इसको तो अभी हरा दिया बिकॉज मेरे पास अभी खतरनाक कैरेक्टर है एंड हमको ना इस पर कैरेक्टर भी अपग्रेड करने पड़ते हैं हम इस पर, लाइक ये गेम बहुत ज्यादा मजा है। एंड मेरे को पता है गाइस काफी लोगों को ये गेम थोड़ी बोरिंग से लग रही होगी मेरे को खेलते हुए देखने में बट मजाक नहीं कर रहा, ये काफी अच्छी गेम है एंड अगर आप चाहो तो आप लोग मेरे साथ भी खेल सकते हो। अगर आपको दिखाई दूंगा लेफ्ट साइड में सबसे नीचे को ना एक मेरी UID टाइप की दिखाई दूंगा, आप अगर आप चाहो तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मैं यहाँ जाके आपको मैं यहाँ पे जाके आपको आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट चेक सकता हूँ, मेरे को ऐसे भी कोई भी फ्रेंड नहीं है तो अगर आप चाहते हो मेरे साथ खेला तो प्लीज मेरे फ्रेंड बनना। ओके तो अभी हम यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आप देखो यहाँ पर भी थोड़े बहुत एनिमीज टाइप के हैं तो मैं ना अपनी एबिलिटी यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास मैं कोई भी चारों कैरेक्टर मैं चेंज कर सकता हूँ एंड अलग अलग एबिलिटीज यूज कर सकता हूँ और भाई मेरे को मारने की ट्राई कर रहा है, रुको जरा साले तेरे को लगता है तू मेरे को मार पाएगा। ओके तो मेरे पास अलग अलग टाइप की एबिलिटीज है, जैसे कि मैं इस छोटे से बच्चे के कैरेक्टर की एबिलिटी यूज करूंगा तो मेरी हेल्थ बढ़ेगी, कोई फ्लेम की एबिलिटी है, कोई इलेक्ट्रिक एबिलिटी है, कोई साइकिक एबिलिटी है, लाइक इस पे ना गाइस बहुत ज्यादा मस्त एबिलिटीज है और मजाक नहीं कर रहा इस गेम को खेल के ना बहुत ज्यादा मजा आता है, सच में मजाक नहीं कर रहा ये गेम ना बहुत एडिक्टिव है और इसको गेम खेल खेल के ना मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा मेरे घंटे बीत गए मेरे को पता भी नहीं चलता।
इस गेम में मेरा कितना टाइम चले जाता है। हर एक करेक्टर की गाइस एक अलग वॉइस लाइनअप है, मतलब ये करेक्टर अपने में ही बातें करते रहते हैं और भाई मतलब बहुत ज्यादा अच्छी इसकी स्टोरी भी। एंड हाँ, ये एक अच्छी स्टोरी गेम भी है। लाइक हाँ, इसमें हमारे को बहुत सारी क्वेस्ट मिलती है, अलग अलग बहुत सारे करेक्टर मिलते हैं एंड इसकी स्टोरी भी काफी अच्छी है भाई। अभी ना उसको मैं जल्दी से ना थोड़ा बहुत जो इन्हें लूट वगैरह छोड़ा इसको चख लेते हैं। एंड हमारे को ना गाइस अभी उस हीरो मेन विलेन को हराना है। अगर आप वहां पार देखोगे तो वो एक खतरनाक विलेन है जिसको मेरे को हराना है, बट उसको हराना इतना इजी नहीं है। तो मैं करने क्या वाला हूँ ना, अभी ना मेरे को वापस जाना पड़ेगा। मैं चले जाता हूँ, लाइक मेरे को ना वापस गाइस इसी एरिया पे जाना चाहिए जो कैंप एरिया था, उसी एरिया में वापस जा रहा हूँ मैं, बिकॉज मेरे को ना अपने लिए थोड़ा बहुत फूड देखना है। अगर मैं अपना बैग ओपन करूंगा तो बैग ओपन करते आप लोगों ने यहाँ पर मेरे सारे के सारे वेपन्स दिख जाएंगे जो कि मेरे पास पड़े हुए हैं। एंड अगर आप इन वेपन्स के थोड़े से ऊपर देखोगे तो आप लोगों को ना मेरे कैरेक्टर्स के लोगोस दिखाई दे रहे होंगे, तो उनसे पता चल जाता है कि कौन से कैरेक्टर पर मैंने कौन सा वेपन इक्विप किया हुआ है। एंड यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे वेपन्स हैं जिनको मैं लाइक दूसरे वेपन को अपग्रेड करने के लिए यूज कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़े बहुत आइटम्स हैं जिनके बारे में अभी आप लोगों को पता नहीं है, पर आगे जाके आप जब खेलोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा ये क्या चीज होती है। यहाँ पर भी थोड़े बहुत आइटम्स हैं मेरे पास, इनको भी हम यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर है मेरा फूड, एंड मेरा फूड देखोगे ना तो मेरे पास सिर्फ भाई सिर्फ ये वेज सूप टाइप का है एंड उसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पे भी थोड़े बहुत मटेरियल वगैरह है जो कि आगे आगे गेम में आप लोग को समझ आ जाएगी एंड आप लोग खुद ही खेलोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो अब हमको करना क्या है, यहाँ पर आप देखोगे ना तो क्विक कुक बैठा हुआ है एंड कुक के पास हम जाएंगे ना तो जल्दी से एफ दबा लेते हैं। एंड कुक के पास हम देखेंगे तो वहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे फूड के मेन्यू है, फूड है जो हम बना सकते हैं अपने लिए। बट अगर आप फूड यहाँ पे फूड के ऊपर देखोगे, फूड के ऊपर एक हरा सा लोगो बना हुआ है, तो जो ग्रीन लोगो है ना गाइस, इसका मीनिंग ये हुआ कि गाइस हमारा जो भी टीममेट लाइक मरा होगा, जैसे हमारे पास चार टीममेट होते हैं, हम उन चार टीममेट वैसे किसी को भी वापस रिवाइव कर सकते हैं अगर वो मर गया। बट भाई इनमें से मेरे को एक मिनट चाहिए, मेरे को ना ये एचपी वाला चाहिए जिनके ऊपर एचपी का लोगो बना है, मेरे को ये वाले चाहिए। एंड जिनके ऊपर ये अटैक वाला लोगो बना है मेरे को ये चाहिए। तो अब मेरे को इनके लिए सामान इकट्ठा करना पड़ेगा, लाइक कोई फ्लावर टाइप की स्वीट फ्लावर मेरे को इकट्ठा करना पड़ेगा एंड मेरे को अपने लिए चिकन इकट्ठा करना पड़ेगा, इसमें अलग ही नाम रखा हुआ है उसका, और कोई चिकन और मेरे को ये फ्लावर एक तरह से इकट्ठा करना पड़ेगा। एंड इनको ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है बट इतना ईजी भी नहीं है। और गाइस हाँ, इसमें इतने मस्त मस्त करेक्टर है, जैसे कि ये वाला करेक्टर, अब इस करेक्टर को हम मारने के लिए तो यूज कर ही सकते हैं लोगों को, बट इसकी जो मतलब दूसरी एबिलिटी ना, इससे गाइस हम फुल स्पीड में चल भी सकते। ओ भाई यहाँ पर गाइस एक आइस वाला, रुको इसको हम सबसे पहले फ्लावर को आइस वाले फ्लावर को लपेट लेते हैं बिकॉज ये मेरे को बाद में परेशान कर सकता है। रुको जरा इसको जल्दी जल्दी लपेट देते हैं। एंड भाई ये गेम ना काफी ज्यादा मजेदार है, लाइक आप खेलोगे ना तो आपको खुद ही मजा आ जाएगा। एंड गाइस अच्छी बात तो ये है कि आप लोग मेरे फोन के साथ भी खेल सकते हो, अगर आप चाहो तो आप फोन से आ सकते हो एंड हम सब मिलकर साथ में खेल सकते हो। आप लोग मेरे इस वर्ल्ड में आ सकते हो एंड हम साथ में खेल सकते हैं। तो आपसे भी आप लोग अगर खेलना चाहो ना तो जरूर से मेरे साथ खेलना। एंड भाई यहाँ नीचे अगर हम देखें भाई, यहाँ नीचे ना यार थोड़े मॉन्स्टर्स वगैरह है जहाँ पे हम ना जाएंगे नहीं, बिकॉज मेरे को ना लगता है हमको वहाँ पे जाना चाहिए, अभी हमारे को ना अपने काम से काम रखना चाहिए। एंड मैंने ये ओके मैं यहाँ पर ज़्यादा जल्दी आ गया। ओके यहाँ पर हमको थोड़ा लाइक एक तरह से क्या बोल सकते हैं, तो हमको अलग सी चीज़ मिली है यहाँ पर, थोड़ी बहुत फ्लावर टाइप के ये भी ले लेता हूँ, बट हमारे को ना यार ये वाले फ्लावर नहीं चाहिए, हमको कोई और टाइप के फ्लावर चाहिए जिनसे अपने फूड बना पाए एंड जाके उस एनिमी को हरा पाए, बिकॉज उसको हराना होगा काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, तभी मैं थोड़ा आगे बढ़ पाऊंगा गेम में, थोड़ा आगे बढ़ पाऊंगा और मेरे को गेम में ना आगे आगे बढ़ते रहना है। और भाई वहाँ पे भी देख रहे हो लाइक यहाँ पर गाइस हर टाइप के अलग अलग एनिमीज है, हर अलग एक बायोम का हर एक अलग एनिमी होता है। तो भाई अभी ना रुको, सबसे ज़्यादा जल्दी मैं काम कर लेता हूँ ना, मैं जल्दी जल्दी से गाइस ना फ्लावर वगैरह फार्म करता हूँ, फूड वगैरह फार्म कर लेता हूँ जल्दी से। ओके तो गाइस मेरे को दो पंछी यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, मैं ना एक पंछी को शूट कर लेता हूँ यहाँ से, दूसरा तो तब तक भाग जाएगा। ओके अरे भाई दोनों के दोनों उड़ गए, भाई गलत सीन है यार मेरे को ना भाई, मेरे पास दिमाग में एक मस्त वाला आइडिया है। अगर हम वापस अपने इस सिटी पे सिटी के अंदर चल जाए, इसमें ना बहुत सारी अलग अलग सिटी, लाइक यहाँ पर आप एक सिटी देख सकते हो, यहाँ पर भी यहाँ पर एक और सिटी है एंड यहाँ पर एक रूइन सिटी एक टाइप की बोल सकते हो आप, बहुत सारी अलग अलग जगह है यहाँ पर हम जहाँ पे जा सकते हैं। बट हमको ना अभी अपनी मेन सिटी पे वापस चले जाना चाहिए बिकॉज मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है, बिकॉज हम ना देखो फूड बनाने से अच्छा क्यों ना हम फूड खरीद ले, बिकॉज हम फूड खरीद भी सकते हैं इस गेम में। तो अगर हम यहाँ पे आएंगे ना, रुको 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 यहाँ पे जल्दी चलते हैं, यहाँ पे ये रहा फूड वाला स्टोर है यहाँ पे, अब यहाँ पे जाते हैं एंड जल्दी जल्दी से। भाई यार यहाँ तो बातें भी स्टार्ट हो गई यार इनकी, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत बातें सुन लेते हैं। ओके तो गाइस यहाँ पर हमारा फूड मेन्यू खुल चुका है और यहाँ पर आप साइड में देखोगे ना तो यहाँ पे कॉइन्स है, इनको गोल्ड कॉइन की जगह यहाँ पर मतलब गोल्ड कॉइन नहीं बोलते यहाँ पर सर इसको लाइक मेरे को नहीं पता क्या बोलते क्या इसको बोलते मोरा बोलते इसको, लाइक हमारे इंडिया में जैसे मोहरे बोलते हैं ना कुछ कुछ चीज़ों को, वैसे मोरा बोलते हैं इसको। एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हम खरीद सकते हैं इससे, बट हमारे को फूड खरीदना है, लाइक हम एग्स खरीद सकते हैं एंड चिकन मशरूम स्टिक्स ये खरीद सकते हैं, मेरे सबसे ये मेरे लिए ये सही रहेगी बिकॉज मेरे को अपनी हेल्थ बढ़ानी है, तो मेरे लिए हेल्थ के लिए जो ये सही रहेगी। तो मैं सोचो ना कितनी ले,
हम ले लेते हैं भाई, पांच में ले सकता हूँ ठीक है, पांच ले लेते हैं तो सीधी अच्छी बात है, पांच ले लेते हैं। एंड ये डिफेंस लाइक ये वाली मेरी डिफेंस बढ़ा सकते हैं, अगर आप यहाँ पर लोगों देखोगे ना तो डिफेंस टाइप का लोगो है, तो मेरे हिसाब से मेरे को ये भी खरीद लेना चाहिए, बिकॉज पैसे कभी मेरे पास कमी नहीं है। एंड इसकी में पैसे कमाना लाइक बहुत ईजी है, हम बस मॉन्स्टर को मारते जाए मारते जाए मारते जाए, एंड हमारे पास वो आता रहेगा लाइक गोल्ड आता रहेगा, एक तरह से मोरा आता रहेगा। एंड भाई मैं ना ये लाइक चिकन चुकन भी खरीद लेता हूँ भाई, अलग अलग टाइप की चीज़ें, बिकॉज मेरे को ना अलग अलग टाइप की चीज़ें बनानी पड़ेगी ताकि। और ये रेसिपी बुक्स, हाँ रेसिपी बुक्स का सीन क्या होता है, अगर हम रेसिपी बुक खरीदते हैं तो उससे हम अलग अलग डिशेज अनलॉक कर सकते हैं, और अलग अलग डिशेज से हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। तो भाई इसको भी ना मैं फुल कर लेता हूँ, एंड मेरे हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा। वैसे थोड़ा सा ना इसको भी चलो मैं बना ही ले मैं ले ही लेता हूँ भाई, देखो अभी पैसा बहुत बचा हुआ है, तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ले ली है। ओके भाई ये फिर से बात है। ओके तो गाइस अब हम वापस जाने वाले हैं अपने उसी एरिया के अंदर, उसी कैंप साइट पे अंदर, जहां पे गाइस मेरे को अभी फूड कुक करना है। एंड गाइस मेरे को पता है थोड़ी सी आप लोगों को बोरिंग लग रही होगी, अगर आप देख रहे हो ना अभी तक, प्लीज गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो, एंड लाइक प्लीज से कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज ये गेम बहुत ज्यादा मजा है, आप लोग बहुत ज्यादा मजेदार है, आप लोग अपने सारे दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो गेम। एंड अभी हम जाने वाले हैं गाइस फूड कुकिंग वाले एरिया पे, एंड अपने लिए रुको रुको पहले तो मैं लर्न कर लेता हूँ ये रेसिपीज लर्न कर लेता हूँ। एंड अब हम यहाँ पर गाइस अपने लिए अलग अलग फूड की चीज़ें बना सकते हैं, लाइक यहाँ पर तो भाई ये सारे तो रिवाइवल वाले हैं जो कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए भाई ये वाला लाइक जैम, ये जैली ले बना सकता हूँ मैं, तो जैली बना लेते हैं जल्दी जल्दी से लाइक। ओके बोल इजी, इसमें भी लाइक छोटी छोटी मिनी गेम्स टाइप की गेम्स है, तो आप लोग को यार ये गेम खेलने में बहुत मजा आने वाला है। चलो ये भी हो गए, एंड आई गेस ये कंप्लीट हो चुका है। हाँ मेरे पास बाकी जैसे खरीदने के लिए कुछ है नहीं, मैं बेक ये बना सकता हूँ, बट छोड़ो 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 अभी ना, अगर मेरे को उसको हराना भी है ना और मेरी एचपी लो हो भी जाती है तो मैं फूड तो खा ही सकता हूँ। साथ में जो मेरा ये वाला करेक्टर है ना, अगर मैं इसकी सेकंड वाली एबिलिटी यूज करूँ और आगे वाले एनिमी को डैमेज दूँ तो भाई मेरी और मेरे टीममेट्स की एचपी बढ़ जाती है। एंड साथ में अगर मेरा ये वाला करेक्टर लोगे ना, अगर मेरी इसकी मेन एबिलिटी जो आप क्यू पे देख सकते हो, मेन एबिलिटी अगर मेरी खुल गई तो उसके साथ तो भाई मैं तो भाई बचा सकता हूँ लाइक लिटरली, मैं अपनी मैं मारता जाऊँगा और मेरी एचपी बढ़ती जाएगी, बहुत सही है। एंड यहाँ पर एम्बर देखोगे तो ये एक फायर टाइप का लाइक करेक्टर है जो फायर फायर एरोज एंड फायर टाइप की चीज़ें शूट करती है। एंड मेरे पास एक और ये वाला भी हुआ, ये वाला करेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैंने इसको लगा सबसे ज़्यादा अपग्रेड किया है, तो ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होना ही चाहिए बिकॉज मैंने इसको बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया। एंड साथ में ना अभी हम एक और काम कर लेते हैं, हम एम्बर को हटा देते हैं बिकॉज उनको एम्बर अभी नहीं चाहिए, जो फायर करेक्टर ना मैं इसको हटा रहा हूँ, एंड इसकी जगह मेरे पास जो थोड़े बहुत करेक्टर्स हैं उनसे ना गाइस हम ये वाला करेक्टर लेने वाले, बिकॉज इसको मैंने थोड़ा अपग्रेड किया है। एंड मेरे को अभी फाइटिंग करनी है, तो फाइटिंग के लिए मेरे को फाइटिंग ओनली फाइटर फाइटिंग करेक्टर्स ही चाहिए। अभी चलते भाई स्टेट अभी इस एरो मतलब आइस वाले एरिया पे। एंड हाँ एक और चीज है कि ना यार इस वाली जगह पे ना अगर आप मेरी एचपी देखो, नीचे आपको एचपी दिखाई दे रही होगी, अब देखो जैसे एचपी मैं बर्फ वाले एरिया पे आया हूँ ना वैसे ही मेरी एचपी के साथ साथ में एक ब्लू ब्लू से आपको लोग एरो मतलब ब्लू से एक लाइन ना आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी, ये है मेरी आइस बार, अगर ये फुल हो जाती है ना तो मेरे को गंदी तरह से डैमेज पड़नी स्टार्ट हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा बर्फ ठंड की वजह से। और अगर मेरे को इससे बचना है ना तो मेरे को करना क्या पड़ेगा, मेरे को ना फायर के पास आना पड़ेगा, जो फायर प्लेस है उसके पास आना पड़ेगा, एंड फायर प्लेस के पास जैसे मैं आऊंगा वो पूरी पूरी लाइन छोटी हो जाएगी, ताकि लाइक ये एक सिंपल सी टाइप की कॉमन सेंस टाइप की चीज़ है कि अगर तुम फायर के पास जाओगे तो तुम्हारी लाइक वो बढ़ जाए वो तुम ठीक हो जाओगे। तो चलो अभी चलते हैं वहाँ पर स्ट्रेट फाइटिंग के लिए, एंड ये वाली फाइट ना भाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड हम यहाँ से रेड क्रिस्टल भी ले लेता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी और पावर आ जाए, एंड मैं इस रेड क्रिस्टल से थोड़ा बहुत और डैमेज दे पाऊँ। वैसे यहाँ पर दो और भी वो रहेंगे कैरेक्टर को मारने के लिए, बट चलो सबसे पहले भाई इसको ही पेल लेते हैं। ओके इसको थोड़ा बहुत और डैमेज दे देते हैं भाई, उसके भी पीछे वाले करेक्टर अभी तक भूले नहीं। ओके अब वो मेरे ऊपर अटैक करेंगे, लिख के ले लो। ओके वो अटैक करना स्टार्ट कर रहे हैं, लेवल 30 के भाई, तो थोड़ा सा मेरे को उनसे बच के रहना पड़ेगा। ओके ओ भाई वैसे आप लोगों को मेरे को अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या गेम में चल क्या रहा है, जिन जिन लोगों ने खेली उनको तो समझ आ रहा होगा, पर भाई कसम से ये मुश्किल है। ओके मुझे जल्दी से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी अगर तुम्हारे को मेरी आवाज आ रही होगी। ओके ओके अब मेरी थोड़ी एक्चुअली कम हुई है, तो मैं अपने सेकंड करेक्टर को निकाल लेता हूँ, एंड ये वाले करेक्टर से ना भाई मैं जब डैमेज दूंगा तो मेरी टीम मेट की भी एचपी बढ़ रही है। अगर आप साइड में एचपी बार देखोगे तो वो बढ़ रहा है। ओके साइड साइड ओके अब मैं गाइस अपने इस करेक्टर की एबिलिटी यूज करने वाला हूँ जो कि होने वाली है रिक एंड रोल। लेट गो भाई रोल, खतरनाक डैमेज ये काफी अच्छा दे रहा है। जब आप डैमेज देखोगे थोड़े थोड़े अपने नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हो। भाई मार दिया मेरे कैरेक्टर को। ओके ओके इस कैरेक्टर को जल्दी से रिवाइव कर लेते। ओके मैंने रिवाइव पे इसको डाल दिया है, अब मैं इसको रिवाइव कर सकता हूँ। एंड अभी ओके भाई मेरी एचपी कम हो रही है, बहुत ज्यादा गंदी तरह से कम हो रही है। नहीं मर गया मेरे वाला कैरेक्टर, भी शिट उसकी एचपी कम भी नहीं हुई है। ओके नहीं 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 ओके अब मैं इसकी मेन एबिलिटी यूज कर रहा हूँ, विच टाइप की लड़की की। ओके
भाई मैं डैमेज देते जा रहा हूँ। ओके भाई ओके भाई मैं यही बोल रहा था, ये बहुत ज्यादा गंदी तरह से मारते हैं। और भाई मेरी एचपी देख रहा हूँ, मेरे करेक्टर्स की एचपी लिटरली मेरे को मौत होने वाली है भाई। मेरे करेक्टर्स की इतनी ज्यादा लो कर चुके हैं मेरे करेक्टर्स की एचपी को ये। तो मैं इनको थोड़ा बहुत खाना खिला लेता हूँ ताकि इनकी वापस एचपी रीगेन हो जाए। एंड इनको ना भाई मैं ये भी दे देता हूँ, एक शील्ड भी दे देता हूँ भाई, भर के शील्ड दे दिया मैंने भाई पूरा। लेट गो, अब मेरे हिसाब से थोड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा पावर आ चुकी है। एंड रेस्ट फॉर द विकेट। ओके भाई आप नीचे मेरी एबिलिटीज देखो, जितना मैं डैमेज दूंगा उतना मेरा मेरी वो बढ़ती जाएगी। मैंने पहले इनसाइड वाले प्लेयर को मार देता हूँ जो साइड में इसकी मदद कर रहे हैं ना, इनको खत्म कर लेते हैं भाई। ओके नहीं भाई मेरे को लगातार डैमेज पड़ रही है। ओके भाई प्लीज यार मेरे को हराना है भाई इसको, प्लीज किसी मदद करें भाई, मर जा यार, इसको भी मारना पड़ेगा। ओ नहीं 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 भाई मैंने दिल्ली में जी मतलब मैं इतना इंतजार कर रहा था खड़ा होके, भाई उसको लपेटना पड़ेगा, उसकी लो बहुत ज्यादा लो एचपी हो चुकी है। नहीं ओके ओके एक सेकंड रुक जाओ ओके भाई हार भाई मेरे को हारना नहीं है गाइस, मेरे को हारना नहीं किसी मदद में। एंड मैंने गाइस काफी ज्यादा लो हो चुका हूं, इसको लपेटने का ट्राई करते हैं ऊपर वाले को जल्दी जल्दी से ताकि भाई ये मेरे को उसको कवर फायर टाइप का ना दे पाए। भाई मर जाना यार, कितना इतना लो करूं मैं तेरे को भाई, ये बिल्कुल लाइक एक ओके बच गया आराम से मेरा भाई वो सेकंड कैरेक्टर अगर खुल जाए ना एक बार मैं उसको रिवाइव करूंगा, थोड़ी देर में रिवाइव कर पाऊंगा मैं उसको। अगर वो खुल जाए ना तो मैं अपने अपने कैरेक्टर को वापस रिवाइव टाइप का कर सकता हूँ। ओके भाई प्लीज 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 यार हार जा। ओके ओके मेरे को फायर के पास जाना पड़ेगा, फायर के पास जाना पड़ेगा गाइस, मेरी वो खत्म हो रही है, ऊपर की ब्लू लाइन ज्यादा बढ़ रही है। ओके ओके मैं इसको थोड़ा यहाँ से दूर से एचपी डैमेज देने का ट्राई कर रहा हूँ। 40 का डैमेज सिर्फ, ओके अब 100 का पड़ा, ओके नहीं 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 भाई ओके ओके मेरा सेकंड कैरेक्टर भी खुल गया है, ये वाला कैरेक्टर जरूरी है मेरे लिए। ओके उसकी लाइक 18 सेकंड की एबिलिटी ओपन होने वाली है, 18 सेकंड बाद लेगी उसको हम, गाइस मेरे हिसाब से मैं हरा सकता हूँ उसको। ओ नहीं 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 अगर इसके मेन मेन वाले अटैक्स लग गए ना गाइस मेरे पे तो मैं गया, सच में मजाक नहीं कर रहा मैं गया फिर। ओके गाइस ये काफी लो एचपी बचा है। ओके लेट्स गो गाइस, अभी इसी कैरेक्टर से हमने शुरू किया था तो लेट्स गो इसी कैरेक्टर से खत्म करने का ट्राई करते हैं, अगर हो जाए ना भाई प्लीज। ओके गाइस अगर आप देख सकते हो ओके मेन एबिलिटीज की लेट्स गो, हरा दिया क्या मैंने, ओ भाई हरा दिया फाइनली गाइस। ओके मैंने इसको हरा दिया एंड अब मैं इसको लपेट लेता हूँ भाई, इसने मेरा दिमाग बहुत खाया है ना, तेरे को इसको लगा दिमाग गंदी मौत देने वाला है, मजाक नहीं ले तेरे को मैं इतना बुरा मारूंगा, तूने मेरे को बहुत परेशान किया कसम से, जब मैं मेन वाले विलेन को मरा रहा था तो तूने मेरा उसका बहुत साथ दिया। ओके लेट्स ओ भाई तू कहाँ से आया, ये कहाँ से बचा, मेरे को लगा सारे के सारे मैंने लपेट दिए। ओके बस ये भी थोड़ा सा बचा है, ओके इसको भी लपेट ही लेते, थोड़ी सी एचपी बची आप ऑलमोस्ट बूम। फाइनल अटैक एंड हमारी चेस्ट अनलॉक हो चुकी है। एंड भाई साहब चलो हमने भाई अपने एनिमीज को लपेट तो दिया है, एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमको चेस्ट में काफी अच्छी अच्छी चीजें मिली है जिनसे आप चीजों को अपग्रेड कर सकते हैं। एंड गाइस सिर्फ इसी मूवमेंट के लिए ना मैंने एक खतरनाक चीज भी रखी है, इसमें भी गाइस आप फ्री फायर और बाकी गेम्स की तरह स्पिन्स कर सकते हो अपनी मनी देके भी। एंड इस गेम में अच्छी बात यह कि आप अगर आप अच्छे से मतलब हार्ड वर्क करोगे, अच्छा खासा पॉइंट्स कलेक्ट करोगे तो आप भाई ऐसे टोकन्स खरीद पाओगे जिससे हम खतरनाक कैरेक्टर्स के लिए स्पिन मार सकते हैं। एंड मैं भी स्पिन मारने वाला हूँ, मेरे को पर्पल शाइट मिला है गाइस, मेरे को कैरेक्टर मिल सकता है यहाँ पे कुछ, नहीं मेरे को एक स्वॉर्ड मिली, मेरे को लेवल 4 स्टार की स्वॉर्ड मिली जो कि एक अच्छी स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, अच्छी स्वॉर्ड है बट यार मेरे को ना कुछ और चाहिए था। चलो कोई बात नहीं गाइस, स्वॉर्ड भी अच्छी है बट हमारे पास 2 शेड्स अभी भी बचे जिनको हम यूज कर सकते हैं, 2 विशेज देख रहे थे। एंड ये वाली विश सिंपल ब्लू विश होने वाली है, देखो ब्लू सिंपल होगी, पर्पल खतरनाक एंड ऑरेंज मतलब येलो ऑरेंज सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। एंड लास्ट विश है मेरी, मेरे को गाइस कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अगर ये कलेक्टर मिल गया तो वो ज्यादा ही खतरनाक हो जाएगा बट मेरे को पता नहीं मिलने वाला मेरे को। एंड ये वाली विश भी आएगा ब्लू ही होने वाली है, यस ये ब्लू होने वाली है बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को कोई दुख नहीं है बिकॉज हमने उस मेन विलन को हरा दिया जिस विलन को मैं हराना चाहता था। ओके तो अगर हम देखेंगे तो बैक पे चले जाते हैं एंड हमारे पास अगर जो नई वाली स्वॉर्ड आई है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। एंड जितना मेरे को पता है इसको मैं इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ जो कि मैं इस कैरेक्टर के लिए यूज़ करूँगा। एंड भाई चलो यहाँ पर गाइस हवी आज की वीडियो तो मैं यहीं पर एंड करता हूँ, बाय द वे गाइस अगर इस वीडियो पे
10K लाइक्स भी हो जाते ना, तो गाइस मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊंगा। तो अगर आप 10K लाइक्स कर सकते हो तो प्लीज लाइक के बटन पे क्लिक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके फॉलो करो जिसने फॉलो नहीं किया। एंड अगर आप चाहते हो गेंशन इंपैक्ट की और वीडियोस देखना तो कमेंट करो। मिलते होंगे तब तक के लिए, बाय बाय।